301 के इस लेक्चर में हम देखेंगे डेविएशन ऑफ एक्चुअल साइकिल फ्रॉम थ्योरेटिकल साइकिल. जो थ्योरेटिकल सिंपल लेवल पर कंप्रेशन साइकिल होता है वो एक्चुअल में किस टाइप का होता है, वाष्प संपीड़न चक्र. वास्तविक वाष्प संपीड़न चक्र कई प्रकार से जो थ्योरेटिकल साइकिल होता है उससे अलग होता है. क्या क्या भिन्नता होती है हम देख सकते हैं. जो पहला जो डेविएशन है, जो पहली भिन्नता है, जो थ्योरेटिकल साइकिल की एक्चुअल साइकिल से पहले जो भिन्नता है उसमें यह होता है कि वाष्पित से जो निकलने वाला प्रशीतक है वो अति तप्त अवस्था में होता है. हमने देखा था कि सिंपल वेपर साइकिल होता है, जो सिंपल वेपर साइकिल होता है सिंपल वेपर साइकिल में जो रिप्रेजेंट होता है एट द एग्जिट ऑफ द वाष्पितर या इवेपोरेटर वो किस कंडीशन में होता है, वो ड्राई सैचुरेटेड कंडीशन में होता है. लेकिन जो एक्चुअल में होता है वास्तविक जो कंडीशन होता है उसमें वो अति तप्त अवस्था में होता है, वो होता है सुपरहीट कंडीशन. ठीक है, तो जो एक नंबर हो गया वो क्या होता है, वाष्पितर से निकलने वाला प्रशीतक अति तप्त है, सुपर हीटेड अवस्था में होता है. यह फर्स्ट डेविएशन है एक्चुअल साइकिल का थ्योरेटिकल साइकिल से. दो नंबर यदि हम देखें तो जो प्रशीतक होता है उसका संपीड़न ये न तो आइसेंट्रोपिकली होता है न पॉलीट्रोपिकली होता है. जो कंप्रेशन में हमने थ्योरेटिकल में देखा था कि जो कंप्रेशन होता है वो आइसेंट्रोपिकली होता है, लेकिन एक्चुअल में न तो वो आइसेंट्रोपिकली होता है और न पॉलीट्रोपिक होता है. तो दो नंबर हो गया प्रशीतक का संपीड़न न तो आइसेंट्रोपिकली होता है और न ही पॉलीट्रोपिकली. तीसरा जो उसका डेविएशन है वो है एक्सपांशन वाल्व में जो प्रवेश करने वाला रेफ्रिजरेंट है वो सबकूल्ड होता है. हमने देखा था कि वो क्या होता है, थ्योरेटिकल साइकिल में हमने देखा था कि वो वेट सैचुरेटेड होता है, लेकिन जो एक्चुअल में जो एक्सपेंशन वाल्व में जो रेफ्रिजरेंट एंटर करता है वो सबकूल्ड रेफ्रिजरेंट होता है. तो एक्सपेंशन वाल्व में प्रवेश करने वाला प्रशीतक एक्सपांशन वाल्व में मतलब प्रसार वाल्व एक्सपांशन वाल्व में प्रवेश करने वाला प्रशीतक द्रव एक्सपांशन वाल्व में प्रवेश करने वाला प्रशीतक होता है वो क्या होता है, सबकूल्ड होता है. प्रशीतक सबकूल्ड होता है. ठीक है, और जो चार नंबर जो डेविएशन है एक्चुअल साइकिल का थ्योरेटिकल साइकिल से उसमें वाष्पित तथा संघनित्र में प्रेशर ड्रॉप होता है. वाष्पित मतलब इवेपोरेटर और कंडेंसर में जो
हम थ्योरी में पढ़ते हैं कि इवेपोरेटर और कंडेंसर में जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, वाष्पित और सन्निधि दोनों में प्रेशर क्या होता है, ड्रॉप होता है, फ्रिक्शन की वजह से प्रेशर का ड्रॉप होता है। तो वाष्पित एवं सन्निधि दोनों में प्रेशर ड्रॉप होता है। किस कारण होता है ये होता है फ्रिक्शन की वजह से। ड्यू टू फ्रिक्शन ये टोटल चार डेविएशन है जो एक्चुअल साइकिल थ्योरेटिकल साइकिल से अलग होता है। इसको जो डायग्राम पे देखें तो ये टेम्परेचर, ये एंट्रोपी और ये हो गया हमारा वेट वेपर डिजाइन। अब यदि हम यहां से शुरू करें एक से शुरू किया, एक से गया दो, दो से तीन कॉन्स्टेंट प्रेशर पे सुपरहीट होता है। ये जो प्रेशर है ये किसका प्रेशर है, ये इवेपोरेटर का प्रेशर है पीई। अब जब ये कंप्रेसर में एंटर करता है तो कंप्रेसर का प्रेशर इस पीई से थोड़ा कम होता है, इसलिए ये इसका प्रेशर थोड़ा डाउन हुआ, क्योंकि एट द एंट्री ऑफ कंप्रेसर सक्शन प्रेशर है वो जो इवेपोरेटर प्रेशर होता है उससे कम होता है, चार से पांच है, और पांच से फिर ये क्या होता है कंप्रेस होता है छत्तर। जो कंप्रेशन न तो आइसेंट्रोपिक भी होता है और न पॉलीट्रोपिक भी होता है। छह नंबर पे ये जब छह नंबर पॉइंट पे ये पहुंचता है तो ये डिस्चार्ज वाल्व खुलता है और ये कंडेंसेशन में एंटर करता है। अब तो कंडेंसेशन का जो प्रेशर होता है, कंडेंसेशन का जो प्रेशर होता है वो डिस्चार्ज प्रेशर से कम होता है, तो ये कंडेंसेशन का प्रेशर है ये 9, 6, 7, 8, 9 और ये 10 से 11 तक ये सब कुल होता है, और 11 से 1 में ये क्या करता है वापस है थ्रॉटलिंग डिवाइस के द्वारा एक्सपांशन होता है। तो हमने देखा कि यहां पर प्रेशर ड्रॉप होगा, ये है यहां पर प्रेशर कॉन्स्टेंट ही नहीं था, ये ओवरटू प्रेशर है जो फ्रिक्शन की वजह से ड्रॉप होता है, और ये जो प्रेशर होता है ये किसमें है, ये कंडेंसर में है और इसमें भी प्रेशर ड्रॉप होता है फ्रिक्शन की वजह से। 10 से 11 सब कूल होता है, 5 से 6 ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, न तो ये पॉलीट्रोपिक है न ये आइसेंट्रोपिक है। 5 से 6 कंप्रेस होता है तो न तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेस होता है न पॉलीट्रोपिक प्रोसेस कंप्रेस होता है। तो ये पीई है और ये प्रेशर क्या है, ये पी एस है, ये जो है ये पीई है और ये प्रेशर है वो पी एस है, ये सक्शन प्रेशर पी एस है और ये इवेपोरेटर का प्रेशर पी ई। वैसे ये प्रेशर है वो किसका प्रेशर है, डिस्चार्ज प्रेशर पी डी है और ये जो प्रेशर है वो पी सी कंडेंसर का प्रेशर। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल होता है वो थ्योरेटिकली वेपर कंप्रेशन साइकिल से कैसे डिफरेंट होता है।